हेलो फ्रेंड्स, मैं रीनू। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं कैना का फ्लावर आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मेरे बचे हुए समर फार्मिंग प्लांट्स, इसके पार्ट टू मैं आज बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो पार्ट वन में मैंने आपको बताया था वो प्लांट्स जो बड़े आसानी से चल जाते हैं बिना शेड के, समर में बहुत अच्छे फ्लावरिंग करते हैं, जितनी तेज़ गर्मी उतनी अच्छी फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स, पहला प्लांट था ये कनेर का प्लांट, दूसरा मैंने बताया था आपको ये केना का प्लांट। देखिए, इसका एक फ्लावर खिला है, ये बंच में खिलता है, ये सब खिलना बाकी है। और तीसरा हमारा जो था वो था ये नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, रात की रानी। चौथा मैंने आपको ये प्लांट बताया था, बाजकला का प्लांट। पांचवा मैंने आपको जो बताया था वो था ये हिबिस्किस। और मैंने आपको छठा प्लांट जो दिखाया था वो था ये रजनीगंधा। सातवां जो था वो ये था फोर ओ क्लॉक का प्लांट। देखिए, यहाँ पे सीड्स दे रहा है ये पिंक वाला। आठवां प्लांट जो था वो था देसी विनका का प्लांट। हाइब्रिड विनका के बारे में मैंने बताया था कि वो तेज़ धूप नहीं सह सकता, उसे शेड में रखना ही पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, आठ प्लांट जो मैंने आपको दिखाए थे उन्हें दिखा ही चुकी हूँ मैं, कुछ और प्लांट्स के बारे में जो कि बड़ी आसानी से तेज़ धूप में रह लेते हैं। देखिए, ये प्लांट अभी खिला नहीं है क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 7 ही बजे हैं, जब इस पर तेज़ धूप पड़ती है। 9 o'clock का प्लांट है इसलिए 9 बजे खिलता है ये। तो हम नौवें प्लांट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा 9th प्लांट है वो है ये एरेनियम का प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और इससे भी तेज़ धूप की ज़रूरत रहती है, शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो अभी प्लांट काफ़ी छोटा है इसलिए, और अभी इसकी ग्रोथ शुरू हुई है क्योंकि ठंडियों में इसकी सारी लीव्स जो है शेड हो जाती है, गिर जाती हैं, और फरवरी के एंड से या फिर फरवरी के मिडल से इसकी लीव्स दोबारा निकलना स्टार्ट करती हैं फ्रेंड्स। और जो हमारा 10th प्लांट है जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, 2nd प्लांट है, वो ये है टिकोमा का प्लांट। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है फ्रेंड्स। ये भी बहुत छोटा प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए, यहाँ पर आप न्यू लीव्स देख सकते हैं। और हमारा 11th प्लांट जो है वो है कोचिया का प्लांट। ये तो बहुत प्यारा लगता है मुझे फ्रेंड्स, इसे तो आप ज़रूर लगाएं अपने घर में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, जैसे ही रहता है इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है फ्रेंड्स। और जो हमारा 12th प्लांट है वो है ये हमारे बेला का प्लांट, आप मोगरा कह सकते हैं इसे। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, वाइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत अच्छी स्मेल होती है उसको, लोग जो है माला बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और प्लांट्स, और जो 13th है वो है एक्सोराकल प्लांट, इसमें भी बहुत प्यारी फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, इसमें बर्ड्स आ गई हैं, अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स। ये पिंक एक्सोराकल प्लांट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास रेड एक्सोराकल भी है, उसे मैं लेकर आई हूँ कुछ दिन पहले ही। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेड एक्सोराकल प्लांट है, इसमें देखिए यहाँ पर बर्ड्स भी दिख जाएंगे आपको। ये भी गर्मी का बहुत अच्छा प्लांट है। और जो हमारा 14th प्लांट है वो है मैक्सिकन पेटूनिया का प्लांट। देखिए, इसमें बहुत ही प्यारे फ्लावर्स खिलते हैं, एकदम पेटूनिया के जैसे, जो हम लोग ठंडी में लगाते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, बहुत प्यारा फ्लावर्स में खिलता है और बहुत ढेर सारी खिलते हैं, हमेशा फ्लावर्स से भरा रहता है ये। इसमें बर्ड्स देख सकते हैं आप। एंड फ्रेंड्स, आप स्लीपिंग हिबिस्किस का प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में लगाने के लिए। ये 14th प्लांट है जो कि गर्मी में बहुत आसानी से चल जाता है।
एंड ये तुलसी का प्लांट, ये तो गर्मी ठंडी सब में बड़ी अच्छी से चलता है फ्रेंड्स। तो ये 15th प्लांट जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा सीड्स बना रहा है। मैं रोज़ इसकी सीड्स तोड़ती हूँ, ये फिर बना लेता है फ्रेंड्स। और जैसे कि ये हिबिस्किस का प्लांट है, ये हाइब्रिड प्लांट है फ्रेंड्स, इन्हें भी आप धूप में रख सकते हैं। वैसे तो मई जून की धूप तो किसी को भी नहीं चाहिए होती है फ्रेंड्स, तो मई जून में तो सारे प्लांट्स को आपको शेड में रखना ही होगा, हाइब्रिड प्लांट्स को तो खास करके। और जो 16th प्लांट है वो ये है सनफ्लावर का प्लांट, ये देखिए सनफ्लावर में इसमें जो है कलियाँ भी आ गई हैं। एक और है मेरे पास, मैं दिखाई देती हूँ, ये देखिए बड़े अच्छे फ्लावर खिलते हैं सनफ्लावर, मुझे बहुत पसंद है, येलो कलर के होते हैं फ्रेंड्स। और जो 17th प्लांट है वो ये है सुगंधराज या फिर गार्डेनिया का प्लांट आप इसमें बोल सकती हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर की है, वो शायद वीडियो नंबर 52 या 53 है, आप उसको देख सकते हैं जाकर। और जो हमारा 17th प्लांट है फ्रेंड्स, ये तो बहुत बढ़िया प्लांट है, एफोरबिया मिली का। ये छोटा सा छोटा प्लांट बड़ी प्यारी फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। मेरे तो कोई भी प्लांट जो है लास्ट ईयर के नहीं है, सब इसी साल मैंने लाई हूँ, नवंबर के एंड से या फिर नवंबर के मिडल से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की है। मेरे कोई भी प्लांट ज़्यादा पुराने नहीं है, ये देखिए, ये भी देख लीजिए, ये वाला भी फोर फैमिली ऊपर से लेकर नीचे तक ये फ्लावर्स से भरा रहता है, जितनी तेज़ गर्मी उतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। एंड फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये है गॉम्फेरिना का प्लांट, इसके तो बहुत ज़्यादा प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, सीड से लगाया था मैंने इसको, मैं इसे आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में फ्रेंड्स, तब तक हम अपने दूसरे प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इस प्लांट की बात करें तो ये थंबजो का प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत प्यारी फ्लावरिंग होती है, ये तो ऊपर चढ़ जाता है, ये क्लाइंबिंग प्लांट कैम्बर है फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। एंड फ्रेंड्स ये है मेरा रेन लिली का प्लांट, इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, इसमें भी वाइट कलर का प्लांट है मेरा, ये वाइट कलर के फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत प्यारा लगता है। बारिश शुरू होती है तो इसमें इतने फ्लावर्स होते हैं कि आप गिन भी नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स ये प्लांट है बोगनवेलिया का प्लांट, इसमें भी बहुत प्यारी फ्लावरिंग होती है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका वीडियो नंबर अभी मुझे याद नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर आपको बोगनवेलिया के ऊपर मेरी वीडियो देखनी है तो या तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिए या फिर मुझसे वीडियो नंबर जो है कमेंट में या मेरे इनबॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे पास वाइट पिंक एंड ऑरेंज कलर के बोगनवेलिया के प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, फिलहाल इस प्लांट को देख लीजिए, ये भी गर्मी में बहुत ही आसानी से चलता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये कड़ी पत्ते का प्लांट है फ्रेंड्स, और ये प्लांट बहुत ऊँचा जाता है, इसे भी शेड की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। एंड ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये नीम प्लांट है फ्रेंड, नीम का पेड़ है, इसे भी आप लगा सकते हैं अगर आप बड़े प्लांट्स जो है अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स। और ये तो हमारे बहुत काम का भी प्लांट है, नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आती हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा लेमन जो है प्लांट से गिर गया है कल हवा चलने की वजह से, लेमन प्लांट का आप लगा सकती हैं, लेमन प्लांट पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इसे भी आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स ये मेरे ब्लू बेल का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा समर में फ्लावरिंग करता है, इसकी बहुत अच्छी ऊपर जाती है, इस बहुत अच्छे से क्लाइम करता है ये फ्रेंड्स। और अपराजिता का प्लांट भी आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी बहुत प्यारी फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छे फ्लावर्स उसमें खिलते हैं गर्मियों में। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए इतने ढेर सारे समर फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम बता रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि समर में जो फ्लावर्स हैं वो बहुत कम खिलते हैं, ठंडियों में ज़्यादा खिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है कि समर में जो है फ्लावरिंग ज़्यादा होती है प्लांट्स में और विंटर फ्लावर प्लांट्स ही कम हैं। तो फ्रेंड्स इसे देख लीजिए, ये हमारा रस लिली का प्लांट है, हमारा रस लिली इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर भी इसमें बहुत सारा ये भी खिलने वाले हैं और ये तो बचा गया है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें रूट्स नहीं होती हैं, इसमें बल्ब्स होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
ये लास्ट फ्लावरिंग प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, समर फ्लावरिंग प्लांट, बट ये लीस्ट नहीं है क्योंकि कई ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जो मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स। तो ये है हाइब्रिड विनका का प्लांट है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं बात कर रही थी कि इसे ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, पर ये गर्मी में फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से फ्लावर्स से ये भरा हुआ है एकदम, इसको देख लीजिए ये भी फ्लावर्स से भरा हुआ है। ये देसी विनका का प्लांट है और इसके सारे फ्लावर्स चढ़ गए हैं, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ शॉवर कर दिया था इस वजह से। देखिए इसके भी झड़ गए थे सारे प्लांट्स के। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स हम बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।